हूं कंचन, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा का अधिक महत्व होता है क्योंकि विश्वकर्मा जी को हिंदू ग्रंथों के मुताबिक सबसे पहले वास्तुकार माने गए हैं। कहा जाता है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन विधि विधान से पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को ही मनाया जाता है। इसका शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, इसकी विश्वकर्मा पूजा कैसे करें, चलिए जानते हैं। कन्या संक्रांति के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। इस साल भी 17 सितंबर को विश्वकर्मा जी का पूजा हो रहा है। इसका शुभ मुहूर्त है सुबह के 7:36 से रात के 9:38 तक। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, व्यापार में तरक्की होती है, व्यापार में उन्नति होती है। जो भी कार्य प्रारंभ किए जाते हैं वो पूरे होते हैं। भगवान विश्वकर्मा को संसार का पहला इंजीनियर भी कहा जाता है। तो जानते हैं विश्वकर्मा जी का पूजा का महत्व क्या है और पूजा कैसे करें। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा का अधिक महत्व होता है क्योंकि विश्वकर्मा जी को हिंदू ग्रंथों के मुताबिक सबसे पहले वास्तुकार माने गए हैं। मान्यताओं के अनुसार इस दिन लोहे की वस्तुओं और मशीनों की पूजा करना शुभ माना जाता है। साथ ही कहा जाता है कि विश्वकर्मा पूजा के दिन विधि विधान से पूजा करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती हैं। इसके अलावा इस दिन पूजा करने से कारोबार और व्यापार में भी सफलता प्राप्त होती है। तो विश्वकर्मा जी की पूजा विधि क्या है ये जानते हैं। तो विश्वकर्मा जी की पूजा विधि यह है कि सबसे पहले तो विश्वकर्मा पूजा अपने शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। विश्वकर्मा जी को साबुत चावल, फल, रोली, सुपारी, धूप, दीपक, रक्षा सूत्र, दही, मिठाई, शस्त्र अर्पित करना चाहिए। इसके बाद विश्वकर्मा जी को फूल चढ़ाते हुए बोलें, हे विश्वकर्मा जी आए और हमारी पूजा को स्वीकार करें। इसके बाद अपनी बिजनेस से जुड़ी चीजें, शस्त्र, आभूषण, औजार आदि में रोली और अक्षत लगाकर फूल चढ़ाएं और सतंजा पर कलश रख दें और मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र का उच्चारण के लिए हाथ में रोली अक्षत लगाएं और दोनों चीजों को हाथ में लेकर बोलें, ओम पृथ्वे नमः, ओम अनंतम नमः, ओम कुम्नै नमः, ओम श्री सृष्ट तन्या सर्वसिद्ध्या विश्वकर्मया नमो नमः। मंत्र पढ़कर सभी चीजों पर रोली और अक्षत छिड़क दें। इसके बाद फूल चढ़ाएं। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और जल पिलाएं। अब इस प्रसाद को सभी लोगों में बांट दें। अब ये जान लेते हैं कि भगवान विश्वकर्मा है कौन। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है भगवान विश्वकर्मा पहले वास्तुकार और इंजीनियर हैं। इन्होंने स्वर्गलोक, पुष्पक विमान, द्वारिका नगरी, यमपुरी, कुबेरपुरी आदि का निर्माण किया था। उन्होंने इस संसार की रचना में ब्रह्मा जी की मदद की थी। इस संसार का मानचित्र तैयार किया था।